एक ग्राम है ग्रैंड नंबर 3 जिला लखीमपुर खीरी। आप हमारे साथ प्रगतिशील कृषक हैं सरदार प्रताप सिंह जी और आप हैं सरदार गुरसेवक सिंह जी। तो गुरसेवक सिंह जी बताइए किस तिथि का गन्ना बोया है? सर 20 अक्टूबर को गन्ना बोया। कौन सी गन्ना प्रजाति है? 118 CO0118 जिसमें हल्के से कांटे होते हैं जी। किस विधि से बोया गया है? जैसा ट्रेंच विधि से। तो दूरी कितनी है ये? अगर मैं उस गन्ने की नाली के बीच से और इस गन्ने के नाली के बीच की बात करूँ 3.5 फुट पर। टुकड़े कैसे रखे आपने? सीधे सीधे। एक आग का टुकड़ा या दो आग का? नहीं सर, दो आग का टुकड़ा। इससे पहले इस खेत में क्या था? इसमें सर पहले पराली था यानी पुआल था, उसका प्रबंधन कैसे किया? जी सर बीच में सब किनारा रख के जोत दिया खेत। खेत की तैयारी कैसे किया? क्या क्या इसमें यंत्र प्रयोग किए? इसमें सर हैरो लगी है, कल्टीवेटर लगा है, सर पलटा भी लगा है, रूटावेटर लगा है सर। जब आपने ये गन्ना बोया तो कितने दिन में आपने सरसों बो दिया? 2 दिन बाद सरसों बो दी थी सर। सरसों लाइनों से बिल्कुल सीधी बोई है? जी, किससे बोई है? ड्रिल से बोई है, हाथ से बनाई है ड्रिल, जुगाड़ी वाला काम बनाया है बहुत बढ़िया, उससे बोई है। तो वो कूड़ निकालता है या सीड भी उसमें डालता है? नहीं, सीड भी इसमें, बोतल में सरसों भरी जाती है और एक जना खींचता है और सरसों बीज में डाल के वो डाल। तो देखिए अच्छी बात है, गुरसेवक सिंह जी ने एक जो सीड ड्रिल अपनी जुगाड़ से बना ली जिससे इन्होंने ये सरसों बो दी है जी। दो सरसों की लाइनों के बीच में 1 फीट की दूरी होगी। बुआई के समय में इसमें क्या क्या उर्वरक दिया? एक सर एक बोरी डीपी की दी है, आधी बोरी सर पोटाश की दी है, आधी बोरी यूरिया की। गन्ने की जब अकेले बुआई करते हैं तब भी इतना उर्वरक देते हैं और सरसों के साथ जब बुआई करते हैं तब भी इतना उर्वरक देते हैं? नहीं सर, सरसों को नहीं दिए जाते हैं, गन्ने को देते हैं। तो सरसों के लिए जब आप दो फसल ले रहे हैं तो अतिरिक्त कुछ देना नहीं चाहिए इसको? सर देना देना पड़ता है सर। तो पानी भर के फिर देंगे? नहीं, हमने पानी भर के क्या देंगे, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। आधी आधी बोरी सुपर डालेंगे, 20 किलो यूरिया बैंक देंगे, 5 किलो सर। गन्ने का उत्पादन एकड़ में? सर ये तो पहली बार हमने किया है, हो सकता है 700 से ऊपर निकाले। 700 एकड़ में जी? इससे पहले कभी निकाला? नहीं सर, पहले नहीं निकाला सर, उसकी पहले बार सर किया इतने बढ़िया। तो पहली बार? अच्छा, ये आपने ट्रेंच बीज से पहली बार लगाया? जी सर जी, पहली। इससे पहले कैसी बुआई करते रहे? नहीं सर, पहले सामान्य सामान्य करते। पहली बार देखिए, ये गुरसेवक सिंह जी कहते हैं, कह रहे हैं कि मैंने ट्रेंच लगाया और अभी इनका इरादा है सरसों के साथ भी। कितने कुंटल लेने का? 700 कुंटल। 700 कुंटल कह रहे हैं इसमें एकड़ में लेंगे। अच्छा, सरसों का उत्पादन कितना ले लेंगे? सर सरसों का 6 कुंटल एकड़ का। सरसों की प्रजाति कौन है ये? साठा कहलते हैं। काली है या पीली है? नहीं सर पीली है सर। पहली बार खेती कर रहे हैं यानी इससे पहले कभी आपने सरसों गन्ने के साथ नहीं लगाई? नहीं, गन्ना जी नहीं लगाई थी सर। तो फिर अनुभव कैसे हो गया 6 कुंटल होगा? नहीं सर, पहले ऐसे था, मैं ऐसे बोते थे सैंपल में। अच्छा, तो मैं सोच रहा हूँ 6 कुंटल में फिर ये भी निकालूंगा। तो देखिए एक अच्छा गन्ना प्लाट है ये और वो भी सरसों के साथ में है। लाइन्स इन्होंने बोया, जो लाइन्स इन्होंने बोया वो भी जो सीड ड्रिल इन्होंने बनाई है वो भी जुगाड़ से। युवा पीढ़ी जो आ रही है खेती अच्छी कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए प्रताप सिंह जी और गुरसेवक सिंह जी, बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छी जानकारी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी जानकारी देने के लिए।